तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें। तो कल वाला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा, तो कल तो स्पोर्ट डे था आप लोगों को पता है। तो आज है प्रोजेक्ट, मतलब स्कूल में हमारा फंक्शन है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट वगैरह बने हुए हैं, बिजनेस करने वाला है और भी काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटी हैं। तो आप लोगों को मैं उधर जाके विजिट करवाता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें। तो दूसरी बार मुझे बोलना नहीं पड़े यार, स्कूल का व्लॉग है आप लोगों को पता है, स्कूल वाले हो तो आप कमेंट में बता दें। तो चलते हैं इधर से, देखते हैं क्या क्या सीन होता है उधर। भाई इधर आ चुके हैं बिजनेस के करने वाले के पास, तो इधर भी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो आप कौन सी क्लास के हो भाई? भाई हम नाइन्थ ब्लू के। नाइन्थ ब्लू के जी। नाइन्थ क्लास में आपको देखा ही नहीं मैंने जी। एट क्लास के हो? नाइन्थ के? नाइन्थ का हूँ। नाइन्थ मॉर्निंग की हो? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बोलो ना, तो फिर आप लोगों को मैं विजिट करवाता हूँ। ये विजिट करवाओ, कौन सा प्रोजेक्ट है पहले ये बताओ आप। पैथागोरस। तो बताओ ये कैसे यूज होगा, क्या है इसमें खासियत? ये एक फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम होता है, एक तरीका होता है कि हम यानी जो हाइपरटेनियस है उसको फाइंड करें। यानी एक राइट एंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अभी, ये इसका जो 90 का एंगल है, इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है, वो हाइपरटेनियस है। ठीक है, तो अभी मैं परपेंडिकुलर ये इंक्रीज करूंगा, उतनी मेरी परपेंडिकुलर इंक्रीज होगी और बेस कांस्टेंट रहेगा, यानी इसका स्क्वायर रूट और परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट जितनी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे हमें हाइपरटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर मैं इसको रखता हूँ 4 पे, ठीक है, तो अभी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 13 का स्क्वायर करेंगे 116 है, तो हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी इनको हम पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जब ऐड करेंगे हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हाइपरटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। काफी अच्छा बना यार आपने भी मैथ का, ये तो काफी मजेदार है। मैथ का वैसे प्रोजेक्ट कम होते हैं, इतने खास नहीं होते। नहीं, बहुत हुए हैं अभी, आप देख लें सारों पे। सही है सही है, देखते हैं। ये कौन सा इसने बनाया? टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप, आप कौन सी क्लास के हो? सेवंथ के हो, तो थोड़ा ये बताएं किस चीज के बारे में। एंगल्स टाइप, पहले तो हम जान लेते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। जब टू रेज एक दूसरे के साथ अटैच होती है, फिर एक दूसरे से अलग होती है ना, तो उनके बीच का जितना जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया अलग होने में, उसको एंगल्स कहा जाता है। और जो उनके ये पॉइंट्स हैं, ये होते हैं वर्टेक्स। अभी एंगल्स, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ एंगल्स लाइक हमारी, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई रूम बना रहे हैं, इन सब में एंगल्स ही होते हैं। अगर हम अपने एनवायरमेंट का एग्जाम्पल ले लें, ये क्या है, ये स्ट्रेट एंगल को शो कर रहा है। सही है सही है। अगर हम राइट एंगल को देखें तो ये 90 डिग्री का होता है फिक्स। अगर हम इसको देखें तो ये 90 डिग्री से अबव होता है और 180 से कम होता है। अगर आप इनका डिस्टेंस देखें, इससे इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। इसी तरह एंगल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, रूम्स, मशीनरी, ऐसे ये हमारे रियल लाइफ में काम आते हैं। ये भी काफी अच्छा है, ये भी मैथ का है ना? जी जी, ये भी मैथ का है थ्योरम में। मान भाई क्या कह रहे थे आप? यार चले आगे, और एक अच्छा प्रोजेक्ट है उसका विजिट करते हैं। अच्छा है जी। क्या है उसमें खासियत? ये है कि रूम में कोई स्प्रे वगैरह करता है, मतलब बॉडी स्प्रे कोई यूज करता है, और माल स्मोकिंग कुछ करता है ना, तो वो दिमाग का मतलब फट जाता है कुछ। सही है भाई, उधर जाके विजिट करवाते हैं। ये भी साथ है हमारा भाई, तो चलो इधर से चलते हैं। ये हमारा मॉर्निंग का फैन है ना? अच्छा अच्छा, कैन एक्सप्लेन? यस आई कैन एक्सप्लेन, दिस इज अ पोटैटो कैनन। यस, इट इज आल्सो फॉर अवेयरनेस, बिकॉज़ एज यू कैन सी दिस इज अ रूम स्प्रे। यस, इफ यू मिक्स रूम स्प्रे विद अ लाइटर और अ फायर, इट क्रिएट एन एक्सप्लोजन। ओके ओके, प्लीज सीट। ओ, इट क्रिएट एन एक्सप्लोजन। इफ यू मिक्स फायर, इफ यू मिक्स रूम स्प्रे विद फायर, इट क्रिएट एन एक्सप्लोजन। इफ अ पर्सन लाइक पुट रूम स्प्रे इन हिज कार, अगर इफ ही पुट रूम स्प्रे इन हिज कार, हिज कार कैन बी एक्सप्लोड, बिकॉज़ ही इज पुटिंग रूम स्प्रे एंड ही इज आल्सो स्मोकिंग विद इट, एंड हिज कार कैन बी एक्सप्लोड एंड ही कैन इवन डाई। सो इट इज रियली डेंजरस फॉर देम, सो दे शुड सीड दिस टू गेट अवे। थैंक यू। तू छा खाई ना? कारा मिर्च, कारा मिर्च, बादाम, पिस्ता। ना तो मैं जेरी ताकत आ दे की आई या असा चाहे दा मना एरी ताकत असा नेड़न बारे में बैठे मोबाइल कसो ना। तो उस्मान भाई ये तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट था यार। हाँ, मैंने तब उसके दौरान में ये तो इसका वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जैसे गाड़ी में कोई स्मोकिंग करता है ना, तो गाड़ी का ब्लास्ट होने का खतरा है ना, तो ये भी काफी अच्छा है, तो टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो जाता है ना। हकीकत बात है, हमें अवेयरनेस होना चाहिए इस चीज से। भाई यही बात है यार। अब यशलाल भाई अभी एक्सप्लेन करो यार आप। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई, नल सेल है ना, तो इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, इसके जो सराउंडिंग जो लिक्विड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो इसके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये सपोर्टिंग सेल के जो है न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सॉन्स होते हैं, फाइबर टाइप होते हैं, यहाँ से जो है
हमारे एग्जाम की जो है ना ये मतलब स्ट्रक्चर शुरू होती है, और इसका मेन काम होता है जो मतलब मैसेज कन्वे करता है ब्रेन से लेके हमारे बैक ऑफ द बॉडी तक। सिंपली ये जो है छोटा सा प्रोजेक्ट था जो आपके साथ हमने शेयर किया। इतना खास नहीं बनाया तुमने? मैंने नहीं बनाया, ये दूसरों का था, सिर्फ प्रेजेंट मैंने करा। अच्छा, हाँ, प्रेजेंटेशन मेरा होता तो पता नहीं क्या होता भाई। और तो भाई अभी सिराज भाई आ चुका है फुल चिकना बन के, तो ये पेंट वगैरह पहन के आया है, तो इधर से चलते हैं। प्रोजेक्ट आपने विजिट किया है अभी तक? नहीं, तो यार मैं तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट विजिट करवा के आया हूँ, तो मेरे ख्याल से इतना खास विजिट नहीं हुआ, तो उधर भी जा रहे हैं थोड़ी देर में, उधर उधर भी विजिट करवाते हैं। ये भी हमारे भाई लोग साथ हैं हमारे, ये मेरा फ़ैन है स्पेशली, और ये भी फ़ैन है मॉर्निंग का, तो फिर इनको भी जाती देते हैं, इनसे भी कुछ निकालते हैं, तो चलते हैं इधर से, देखते हैं आगे क्या क्या सीन होता है। तो भाई इधर आ चुके हैं, इधर आप लोग देख सकते हो कि प्रोजेक्ट वगैरह काफ़ी बने हुए हैं। तो ये है हमारे कौम का सरदार, सरदार का बेटा है, अभी कुछ ही साल के बाद ये सरदार बनेगा हमारे कौम का, कोसो कास्ट का। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में? प्लीज़ हमारे भाई हैं दार भाई, इनको सब्सक्राइब करें प्लीज़, हम कहते हैं हमारे अच्छे भाई हैं, हम डेली इनका लव देते। तो भाई ये है हमारे सरदार का बेटा, इसके लिए तो लाइक करो यार, वैसे तो नहीं करते हो आप, तो आप लोगों को आगे जाके काफ़ी चीज़ें विजिट करवाते हैं, तो सही है, जाएँ इधर से। ठीक है, थैंक यू यार आपका, थैंक यू। तो मुझे लग रहा है यार इधर मेरा आवाज़ क्लियर से नहीं आ रहा है, क्या है संगीत भाई इधर क्या है? यार इधर प्रोजेक्ट्स नहीं है, इधर स्टॉल्स लगाए, जो फूड स्टॉल्स है ना, बिजनेस अफेयर के बारे में इधर लगाए गए। यार वो बिजनेस वाला तो उधर लग रहा था। नहीं नहीं, वो उधर प्रोजेक्ट से इधर है वो बिजनेस के स्टॉल्स। यार बड़े तेजी, उधर तो लिखा हुआ था बिजनेस कार्निवल, तो बिजनेस तो उधर होना चाहिए था। नहीं देखो ना, इधर चीजें इतनी सारी पड़ी हैं यार, सेल करें मतलब बच्चों का माइंड फ्रेश करें कि कैसे हमें बिजनेस में आगे होना चाहिए। तो यार मुझे तो ये पूरा एरिया उसके लिए कवर किया गया है। तो कल तो भाई बिजनेस का तो उधर सीन था, तो आज बिजनेस इधर ही हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट था ना वो उधर था पीछे। मेन तो आज सीन ऐसा है ना कि मॉर्निंग और इवनिंग वाले सारे एक साथ है। हाँ, मॉर्निंग इवनिंग वाले भाई दोनों का प्रोजेक्ट साथ ही है, हर चीज सारे साथ ही है, तो काफी इधर स्कूल में रश है, तो मुझे मेरे ख्याल से कि काफी नॉइज आ रहा है, आप लोग प्रोजेक्ट आप लोगों को विजिट करवाया है तो काफी नॉइज आ रहा था उधर से, तो यही बात है। तो इधर से भी काफी चीजें आप लोगों को विजिट करवाते हैं सामने जाके, तो यहाँ देख सकते हो आप, तो काफी इधर चीजें। चलें भाई उस्मान भाई, क्या क्या खाओगे, क्या खिलाओगे? जो खिलाओ जो मैं खिलाऊं? हाँ अभी आपको छुट्टी देना है भाई, तो हमारे आए ना फैन, हमारे आए फैन है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको चट्टी भी देंगे फिर। चट्टी देंगे यार। तो भाई अभी इधर जा रहे हैं, हाँ ये व्लॉग में है, सही है। तो अभी इधर से पानी का बोतल वगैरह लेते हैं इधर से, तो भाई पानी का बोतल वगैरह दो, ठंडा है, सही है, पियोगे तुम? हाँ पियोगा, सही है। जितने कितने दे, पाँच दो। हाँ दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लगाया गया है। कितने बोला यार तुम ये बिजनेस करो, ये पकड़ो। कितना चाहिए और इसको? भाई ये देखो फैन मुझसे खर्चा करवा रहे हैं, तो फिर भी यार फैन है तो मैं मजाक कर रहा था, इनको मैं खिला पिला रहा हूँ, ये पानी पियो। और कुछ खाओगे? और कुछ खाओगे? नहीं यार, तो ये लो। हम आपसे फैन है यार, फैन है सच में, कुछ किया हुआ है, कुछ खाओ पियोगे? नहीं, दिल से कह रहा हूँ मैं। आपको जो चाहिए ना हमारे पास पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है आपके लिए, हमें वायरस भी पड़े हैं। फ्री है, फ्री फ्री में पिलाओगे? हाँ, तो हम तो हर चीज़ फ्री में लेते हैं। भी हमें फ्री में दिए, तो देखो हाँ फ्री में दो, तो फिर हम आ रहे हैं। व्लॉग ऐसे लाते नहीं है, व्लॉग बना, पैसे तो नहीं है ना मेरे पास, बेचारे मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूँ, मुझे नहीं खाना है। सर काफी इधर से बेइज्जती हो गया मेरा, बच्चों की जानें बचाएं। भाई देखो 138 पिस्तौल लगे हुए हैं टोटल, 138 पिस्तौल भाई, वो देखो ना उधर लगा हुआ है, 138 पिस्तौल लगे हुए हैं भाई इधर से। तो कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा है मेरा, तो मैंने ये सिंपल सा पानी का बोतल ले लिया है। तो भाई अभी मैं और उस्मान भाई अपना वेट चेक करवा रहे हैं कि किसका वेट ज़्यादा है किसका कम है, तो ये है वेट वाला मशीन। तो संगीत भाई आप मेरा फ़ोन पकड़ो, तो दिखाओ मेरा वेट कितना है, उस्मान है कितना है, सही है ना? आओ भाई ज़ाहिर भाई पहले आप आओ, सही है, पहले मेरा दिखाओ, इधर चेक करवाओ पहले, चढ़ो तो ना भाई पहले आप चढ़ें, शूज के साथ ही हूँ मैं, कितना है मेरा भाई? ये देखो 100 क्रॉस है भाई, 51 है, 51 है भाई, 51 50 है, शूज भी पहना हुआ है मेरा, और भी जेब में काफी चीज पड़े हुए हैं, फिर भी थोड़ी ज्यादा। तुम उस्मान को देखते हो, अभी उस्मान भाई का देखते हैं कितना वेट है। ओ 54 55 इतना है उस्मान का, 54 5 मेरा 51 है भाई, इतना कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे पतले हैं। ये क्या चीज है भाई जी, क्या चीज है ये? ये लकी का ₹30, सही है, लिया हुआ है आप इधर से भाई, आप बताओ ये क्या है? ये लकी ड्रा गेम है, इसकी टिकट ₹30 है। तो
भाई ये मैंने इसको 30 रुपए दे रहा हूँ, 100 रुपए तो बकाया मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तुम सही है ये रख लो, तो मैं गेम ट्राई कर रहा हूँ, इसको इसको दबाना है। जी जी, इसको क्लिक करना है। यार दुआ करो, तो अभी जीतोगे यार, जल्दी चला। तो वही 100 रुपए मैं वापस लूँ इनसे। इधर दिखाओ इनको। ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाओ। ये ऐसा हो 50 10 10, ये स्टार पे कुछ मिलेगा, और 0 0 है ये। ठीक है ठीक है, तो 3 0 है और काफी मतलब कोई चीज है इसमें, तो देखते हैं। तो भाई पहले भी मैं उधर हार के आया हूँ। नहीं, अगर आप इसमें से पॉइंट ढूंढ लेते हैं 30 रुपीज चार्जेस है, अगर आप जीत लेते हैं हम आपको 50 देंगे। सही है ना, ये गेम आगे छोड़ो भाई, इधर कंगाल हो जाएंगे हम। चलो इधर लोग और तो बने हैं, है ना, ऐसे ना वापसी में है ना पैदल जाना पड़ेगा। और क्या चीज है इधर यार, इधर भी फोन के कवर वगैरह पड़े हैं। उस्मान भाई अपने फोन के लिए लोगे कवर वगैरह? फोन है ही नहीं तुम्हारा, फोन का इधर मिलेगा भी नहीं मुझे लग रहा है। 11-12 का है उस्मान भाई के लिए चाहिए, नोकिया 11-12 का। नोकिया 11-12 का है कवर? उस्मान भाई के लिए चाहिए। सेट दिखाओ। सेट है ही नहीं मेरे पास। नहीं है भाई, नोकिया बोल तो नहीं, 11-12 दिखाओ ना। देव आईफोन 12 का अच्छा कवर दिखाओ, कौन कौन से है आईफोन 12 के पड़े दिखाओ। दिखाओ भाई, ये है मेरे फोन के कवर आईफोन 12 के, तो एक तो चढ़ा हुआ है फोन में, और वो ब्लैक वाला दिखाओ पीछे से। सही है, पहले अच्छा चढ़ा हुआ है। सही है ना, थैंक यू यार। पहले से उस्मान भाई, उस्मान इधर मेकअप वगैरह पड़े हैं लोगे? मेकअप 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 वैसे लेना तो कुछ नहीं है, ऐसे ही देखो ट्राई करो। लोग वैसे भी नहीं यार, काम लड़कों का मेकअप है। हाँ इसके लिए नहीं, मैं सही लग रहा हूँ ना, इसके लिए चाहिए, मैं सही लग रहा हूँ ना, ये देखो। वो यहाँ नहीं हो, अलग से लाना पड़ेगा। सही है सही है। वैसे मेकअप आप लोग करते हो या लेना पड़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसको करते यार। तो भाई इधर फैन मिले हैं, कल कल आप थे, कल तो कल भी, कल के व्लॉग में भी ये दोनों थे। आप भी देखते हो व्लॉग मेरे? सही है सही है सही है, थैंक यू यार। आप लोगों का ये व्लॉग में जाएगा, सही है ना, फिर आप लोग अपना कमेंट में नाम बताएं, सही है। तो काफी काफी हेट भी मिल रहा है, काफी फैन भी हैं, और भाई जब बंदा आगे बढ़ेगा तो हेट भी तो मिलेगा ना। काफी हेट मिल रहा है, काफी लव मिल रहा है यार। ये भाई लव ज्यादा मिल रहा है, ये हकीकत बात है। जो मतलब आगे बढ़ता है, कुछ लोग उस पे जलते हैं या मतलब उसको प्यार करते हैं। हां ऐसे ही होता है यार, कसम से अभी कुछ आज मुझसे लोग मिले हैं ना, काफी प्यार करते हैं और काफी लोग नफरत करते हैं। तो यार प्लीज आप लोग, बस क्या बोलूं यार भाई, तो इधर से निकलते हैं आप लोगों को आगे, कोई भी और कोई सीन हुआ आगे वो भी विजिट करवाते हैं, चलते हैं। मुझे नहीं लग रहा यार इधर मैंने सही से विजिट करवाया है, क्योंकि काफ़ी नॉइस था, काफ़ी लोग प्यार कर रहे थे और काफ़ी हेट दे रहे थे। तो यार अभी इधर आ चुके हैं, इधर भी स्टॉल वगैरह लगाया है, कल भी आपको ये भी विजिट करवाया था, अभी भी थोड़ा बहुत करवाया है। तो इधर तो यार काफ़ी थक चुके हैं हम, अभी इधर बैठे हुए हैं, काफ़ी नॉइज आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको विजिट सही से नहीं मतलब इतना नहीं करवाऊँ, कि काफ़ी नॉइज आ रहा है, काफ़ी शोर है आप लोगों को, ये भी अभी पता चल रहा है मेरा आवाज़ कम आ रहा है। कैसे बिलाल भाई? हाँ भाई, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अच्छा सा इधर कोई और प्रोजेक्ट है ना। आप लोगों को जो भी मेन मेन प्रोजेक्ट है वो विजिट करवाए, अगर आगे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लगा मैं आप लोगों को विजिट करवाऊँगा। ये थोड़ा तो यार यहाँ तो काफी नॉइज था, मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड थोड़ा बाद में कर रहा हूँ। तो आज का व्लॉग बस यही था, तो इसका पार्ट टू में, पार्ट टू कल आ जाएगा। कल पार्ट टू में कोई हमसे बड़ा यूट्यूबर भी मिला था, उस यूट्यूबर का मैं नाम अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, कल नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो आज का मैं ये व्लॉग यहाँ से वॉइस ओवर कर रहा था, मैं वॉइस स्टेशन ही आया, तो मैंने सोचा कि बाद में वॉइस ओवर करें, है ना, तो मैं अभी बाद में कर रहा हूँ, अभी मैं एडिट कर रहा हूँ ना, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। तो कल का व्लॉग आप लोग लाजमी देखना, लाजमी जैसे भी करके देखना, कल का व्लॉग काफ़ी मज़ेदार था इस व्लॉग से। तो कल इसका पार्ट टू आएगा, तो कल का व्लॉग है ना यहीं से कंटिन्यू होगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।